से वर्ब, आप सभी जानते हो बिना वर्ब के सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब, वर्ब एक एक्शन होता है जो हमें यह डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सो हमें सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। वर्ब सेंटेंस में किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे एक्सप्रेस करता है एक्चुअली सेंटेंस क्या वर्क कर रहा है। नाउ हम सेंटेंस में वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस, देन यू कैन थिंक वट इज़ अ वर्ब। लाइक मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, मार्क अपना डिनर क्विकली से खा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ईट एक वर्ब होगी, बिकॉज इसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ईट के थ्रू हो रहा है। सो किसी भी काम को परफॉर्म करना, उस पर काम करना, काम का होना, वो सभी एग्जाम्पल होते हैं वर्ब के। सो इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ईट। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब एग्जाम्पल्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अलग से वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यह अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। तो ये स्टेट बीइंग एग्जाम्पल है वर्ब का। लाइक आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इसके अंदर एम एक वर्ब होगा, वी आर हेयर, हम यहाँ हैं, तो इसके अंदर आर एक वर्ब का एग्जाम्पल होगा। सो इज एंड आर बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब। बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ब के, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, भागना, डांस करना, बाथिंग करना, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज किसी भी सेंटेंस में बिना एक्शन के हम उस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकाल सकते। सो देर आर एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ब। लाइक आई रन फास्टर देन डेविड, मैं डेविड से फास्टर दौड़ सकता हूँ। अब इसमें परफॉर्म हो रहा है रन का, सो यहाँ रन एक एग्जाम्पल है वर्ब का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो। Thanks for watching this video, and please guys, like and subscribe this channel.